बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले युवा क्रिकेटर शाहबाज नदीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ में रांची में अपना टेस्ट डेब्यू किया है। भारतीय क्रिकेट टीम में टेस्ट डेब्यू करने वाले शाहबाज नदीम मुजफ्फरपुर के चंदवारा के रहने वाले हैं। झारखंड रणजी टीम की ओर से खेलने वाले 30 साल के शाहबाज नदीम लेफ्ट आर्म स्पिनर है। शाहबाज नदीम के भारतीय टेस्ट टीम में चुने जाने पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। आसपास के लोग उनके घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता अभयराज ने शाहबाज नदीम के परिजनों से बातचीत की। स्पेशल ब्रांच के डीएसपी पद से सेवानिवृत्त नदीम के पिता जावेद महमूद बेटी की इस उपलब्धि से खासे उत्साहित है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए खेलने का जो वादा नदीम ने किया था उसे आज पूरा कर दिया। शहर के बिंदेश्वरी कंपाउंड मोहल्ला निवासी नदीम की माँ हुस्ना आरा भी बेटी के उपलब्धि पर खुश हैं। वे कहती हैं कि मेरे दोनों बेटे क्रिकेट खेलते हैं। बड़े बेटे अरशद इकबाल ने खेल छोड़ दिया। भारत के लिए खेलने के नदीम के जुनून ने ही उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनको अपने बेटे की उपलब्धि पर गर्व है। दोनों वाइफ दोनों ही इसके लिए थे कि हम उसको खिलाना है। अब कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा इसके लिए। हम दोनों ख्वाहिशमंद थे कि हमारा बेटा इंडियन टीम में जाए। आज ख्वाहिश पूरी होने पर कितनी खुशी महसूस हो रही थी? तो बहुत दिनों से ख्वाब था, अब रोज सोच रहे थे कि कब आएगा मेरा बेटा, लेकिन आज मेरा ख्वाब पूरा हुआ। बचपन से जो उसने ख्वाब देखा था हमारे पास बैठ के, पहला न्यूज़ उसने हमको दिया था जब उसका सिलेक्शन इसके लिए 14 इंडियन टीम के लिए हुआ था। सबसे पहले उसने हमें भी फ़ोन करके बताया था कि मम्मी लग रहा है कि मेरा टैलेंट हंटिंग वाले आए हुए हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और हम लोग को सिलेक्ट किया जाएगा 14 इंडियन टीम के लिए। चलिए बहुत बहुत बधाई। कितना सपोर्ट शुरुआती दौर में किस तरह से आप स्पोर्ट्स को लेकर के, क्या आपकी भाई? ये 10-15 साल हो गया नदीम को खेलते हुए, है ना? क्या रणजी ट्रॉफी से लेकर 15-17 साल हो गया। तो आज से 15 साल पहले स्पोर्ट्स एज ए कैरियर कंसेप्ट तो था नहीं बेटे। तुम्हारे पिता या हमारे, हम जैसे लोग एजुकेशन में ये लोग अच्छा था तो चाह रहे थे पढ़ाई करें। तो उधर तो अपॉर्चुनिटी ईश्वर को ले जाना। धनबाद में हम पोस्टेड थे, वहाँ पर क्रिकेट का, चूँकि टाटा एकेडमी है, तो वहाँ रहते रहते हमको लगा कि एक बच्चे को क्रिकेट में देना चाहिए। तो हम उसको आगे कर दिया कि भैया खेलो। दोनों भाई चुके थे, बड़ा भाई भी तो इसका क्रिकेटर था, उसका क्रिकेट हमने छोड़वा दिया इसकी वजह का। ये खेला बीच में तो होता है ना भाई, गार्जियन सोचता है कि भैया हटो, माफ़ करो, अब हो लिया, इतना दिन खेल लिया, पढ़ाई सफ़र हो रही है, एजुकेशन सफ़र हो रहा है। तो हुआ, लेकिन इसने बार बार हम इसको रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन ये प्रमाणित करता चला गया कि नहीं पापा, हम तो हम कहा कि इंडिया खेल के दिखाओ। तो बोला कि हम कहाँ पापा, हम कोशिश करेंगे। आज कितनी खुशी महसूस हो रही है आपका बेटा इंडियन क्रिकेट टीम के? बहुत शब्द है एक पिता के लिए। आज एक पिता के लिए तो गौरव की बात है कि उसके पुत्र के नाम से उसकी पहचान अगर होती है तो वो पिता सौभाग्यशाली होता है। तो आज हम उस मुकाम पर हैं जहाँ बेटे ने मुझे प्रॉपर रिस्पेक्ट, रिगार्ड, जो उसको करना था उसने कर दिया है। ईश्वर से दुआ है अच्छा करे, भारत का नाम रोशन करे, जगह बना के रखे, और बेहतर करे, और बेहतर करे। ऐसे गार्जियन के लिए भी कुछ संदेश देना चाहेंगे जो अपने बेटों को खेल कूद से रोकते हैं, उसके लिए आपका क्या संदेश? अब तो समय बदल चुका है। हम लोग जो उस समय के लोग हैं 15 साल पहले, तो अब तो गार्जियन भी आगे आ रहे हैं। देना चाहिए अब उसकी ये कि प्रतिभा को पहचाने आप। वेक नहीं कि बच्चा का बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है नदीम, तो गलत बात है। आप टेस्ट कराइए, दिखवाइए, कोशिश समझवाइए कि इसकी अपनी प्रतिभा है कि नहीं। अगर गॉड गिफ्टेड प्रतिभा है उसको, देन उस पर मेहनत कीजिए। शहबाज नदीम 13 साल का था, 14 इंडिया खेल गया, नेचुरली प्रतिभा थी उसमें। भारत का प्रतिनिधित्व 14 साल में कर गया, उसके बाद 17 इंडिया, 19 इंडिया, लगातार आगे बढ़ता ही चला गया। तो गार्जियन को थोड़ा जज कर लें और दें अपने बच्चों को, थोड़ा मेहनत करें बच्चों पर। स्टार्टिंग डेज में किस तरीके का डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा?
हाँ तो होता ही है, गार्जियन को एजुकेशन भी चलता रहता है साथ में, फिर गेम में प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। तो हमारा क्वार्टर था धनबाद में बड़ा सा, हम उसी में पिच बना दिया था, हम उसमें वेपर लाइट लगा दिया था, उसी में हम बाप बेटा प्रैक्टिस करते थे। कभी वो बॉलिंग करता था तो हम बैटिंग करते थे। आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं? हाँ बहुत बहुत। तो ये तो भारत में तो नशा है क्रिकेट का, तो हर व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति क्रिकेट से सटा हुआ है। तो इस वजह कर हम चाह, और जब सपना देख लिया तो देख लिया हम मियाँ बीवी ने कि भाई इसको इंडिया खेलना है इसको, चलो अब जो होगा देखा जाएगा। तो ईश्वर ने पूरा किया, आप लोगों का प्यार ने पूरा किया। चलिए ठीक है, धन्यवाद। उनके घर बधाई देने पहुंचे पूर्व उपमहापौर सैयद माजिद हुसैन ने कहा कि छोटे शहर के इस युवा ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर 5 लाख शहरवासियों को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। नदीम ही नहीं उसके परिजनों को भी शहरवासी बधाइयां दे रहे हैं। शहर का बेटा शाहबाज नदीम भारत के लिए खेलेगा, ये यहाँ के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए गौरव की बात है। इस उपलब्धि के साथ वे मुजफ्फरपुर के अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन गया है। नदीम की उपलब्धि पर जिला क्रिकेट संघ के सदस्यों ने भी नदीम के साथ साथ उसके परिवार को बधाई दी है। कहा कि ये शान की बात है कि शहर का बेटा भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का हिस्सा बना है। बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी शाहबाज नदीम के ससुराल झारखंड के झरिया में है। झारखंड में ही उनके पिता जावेद महमूद इंस्पेक्टर थे, बाद में वे DSP होकर सेवानिवृत्त हुए। पिता जावेद सेना निवृत्त होकर बिहार स्थित अपने पैतृक शहर मुजफ्फरपुर रहने के लिए आ गए। उनकी अम्मी भी मुजफ्फरपुर में ही रहती है। वहीं नदीम की प्रारंभिक शिक्षा झरिया के डिगवाड़ी के डिनोबिली स्कूल में से हुई थी, बाद में झारखंड की ओर से खेलने लगे। बिफोर प्रिंट के लिए अभय राज की रिपोर्ट।